चुड़ैल का विशाल तरबूज रस हैंडपंप। रामगढ़ गांव में शीतल का परिवार रहता था। पेशे से उसका पति एक किसान था, लेकिन हाल ही में एक दुर्घटना के कारण शीतल के पति का पैर खराब हो गया था, जिसके कारण शीतल ने घर की भागदौड़ संभाली और खुद ही किसानी करने लगी। वाह, क्या बात है, इस बार तो तरबूज की खेती काफी अच्छी हुई है। इस बार तो हमें काफी मुनाफा होगा। बेटी, ये तरबूज कैसे दे रही हो? काकी, बस 30 रुपए किलो। ठीक है, मुझे तुम 2 किलो वाला तरबूज दे दो। शीतल खेत में से 2 किलो का तरबूज तोड़कर दे देती है और उसके बदले में पैसे ले लेती है। इसके बाद वह खेत से और तरबूजों को तोड़कर टोकरी में भर लेती है और कहती है, आज के लिए तो बस इतने तरबूज काफी हैं। इतने ही तरबूजों को बाजार में जाकर बेच आती हूँ, वैसे भी आज गर्मी बहुत ज्यादा है। ऐसा कहकर शीतल अपने तरबूज की टोकरी उठाकर बाजार में बेचने निकल पड़ती है। वो सड़क पर चल रही होती है कि तभी एक ट्रक का संतुलन खराब हो जाता है, जिस कारण शीतल की उस ट्रक के साथ दुर्घटना हो जाती है और उसके तरबूज हर तरफ बिखर जाते हैं। वो किसी तरह अपने आप को एक पेड़ के सहारे टिकाकर बैठ जाती है। शीतल की थोड़ी थोड़ी सी आंखें खुली होती हैं और वो तड़पते हुए कहती है, पानी पानी, कोई मुझे पानी पिला दो, कोई मुझे उस हैंडपंप से पानी पिला दो, बहुत प्यास लगी है। शीतल को अपने कुछ दूरी पर एक हैंडपंप दिखाई दे रहा होता है, जहाँ कुछ औरतें पानी भर रही होती है, लेकिन कोई भी औरत उसकी मदद नहीं करती, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं वह मदद करने जाएं और वह ही न फंस जाएं। बहन, कोई मेरी मदद करे, मुझे बस थोड़ा सा पानी पिला दीजिए, नहीं तो मैं यहीं तड़प तड़प कर मर जाऊंगी। शीतल के ऐसे लाख बार कहने पर भी किसी को कोई परवाह नहीं पड़ती और एक्सीडेंट के दौरान शीतल के सर से बहुत सारा लगातार खून निकलने और प्यास की वजह से वह तड़प तड़प कर मर जाती है। लेकिन ये सिलसिला यही खत्म नहीं होता। शीतल के अकाल मृत्यु के कारण वह फिर से चुड़ैल रूप में लौट आती है और कहती है, कितने बेरहम और निर्दयी लोग हैं इस दुनिया में, किसी को भी मेरी प्यास की कोई फिक्र नहीं थी, आखिरकार मैं तड़प तड़प कर मर ही गई, किसी ने मेरी मदद नहीं की, ऊपर से मैं अपने परिवार से भी दूर हो गई हूँ, अब उनका ध्यान कौन रखेगा। तभी चुड़ैल की नजर उसके तरबूज और हैंडपंप पर पड़ती है, जिसके बाद उसको एक तरकीब सूझती है। अब जबकि मैं चुड़ैल बन चुकी हूँ, तो क्यों ना चुड़ैल होने का फायदा उठाया जाए और हैंडपंप को तरबूज का रस वाला हैंडपंप बना दिया जाए। चुड़ैल अपने गिरे हुए तरबूज में से एक तरबूज उठाती है और उसको अपनी शक्तियों के द्वारा हैंडपंप के नीचे भेज देती है, जिसके बाद देखते ही देखते वह तरबूज धरती के नीचे एक बहुत ही बड़े विशाल तरबूज में बदल जाता है और हैंडपंप से कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही चुड़ैल उस हैंडपंप को चलाती है, उसके अंदर से तरबूज का जूस निकलने लगता है। मेरी मेहनत रंग लेकर आई, आखिरकार मैंने एक जूस वाला हैंडपंप का आविष्कार कर दिया। अब मैं इस जूस को बेचकर अपने परिवार को पालूंगी और उनकी जरूरत को पूरा करूंगी, लेकिन उसके लिए पहले मुझे अपना रूप बदलना होगा। चुड़ैल उसी समय अपना रूप बदल लेती है और हैंडपंप के पास एक बोर्ड लगा देती है कि तरबूज का जूस मात्र 2 रुपए में। आओ आओ गांव वालो, यहाँ आओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक खास चीज है, तरबूज का जूस मात्र 2 रुपए में। चुड़ैल के इतना कहते ही सभी लोग उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद वो हैंडपंप चलाना शुरू करती है। देखते ही देखते हैंडपंप के अंदर से तरबूज का रस निकलने लगता है। आओ गांव वालों, मेरे हैंडपंप से तरबूज का जूस पियो। हैंडपंप से तरबूज का जूस देखकर गांव के सभी लोग आकर्षित होते हैं और चुड़ैल से तरबूज का जूस खरीदने लगते हैं। देखते ही देखते चुड़ैल की अच्छी खासी कमाई हो जाती है और उन पैसों को वो अपने घर के बाहर एक पोटली में रख आती है, ताकि उसके पति की इससे मदद हो सके। आखिरकार मुझे कमाने का जरिया मिल ही गया, लेकिन मजा तो तब आएगा जब रात के 12 बज जाएंगे। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है। देखते ही देखते रात होने लगती है और जैसे ही जैसे रात के 12 बजते हैं, चुड़ैल अपने हैंडपंप के पास आकर खड़ी हो जाती है।
देखते ही देखते वहाँ जितने भी गांव के लोगों ने हैंडपंप से तरबूज का जूस निकाल कर पिया था वह सभी वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। आ गए गांव वालों, जो तुमने मेरे साथ किया वो बिल्कुल ठीक नहीं था। उसका बदला तो मुझे तुम लोगों से लेना ही था। अब मैं तुम लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल दूंगी, जिसके बाद हैंडपंप से तुम लोगों से बना हुआ तरबूज का जूस निकलेगा। देखते ही देखते चुड़ैल उन सभी लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। ये सब गांव का एक बिरजू नाम का लड़का पेड़ के पीछे छुपकर देख लेता है। हे भगवान, बाप रे बाप, ये तो एक बहुत भयानक चुड़ैल है। अगर ये इसी प्रकार गांव के लोगों को मारती रहेगी तो गांव का कोई भी आदमी जिंदा नहीं बच पाएगा। मुझे इसके बारे में गांव वालों को बताना होगा। बिरजू वहां से छुपकर चला जाता है और जैसे ही सुबह होती है वह गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उनसे कहता है, अरे गांव वालों, अब क्या बताऊं तुम्हें, कल रात मैंने एक बहुत भयानक चुड़ैल देखी। हमारे गांव में जो हैंडपंप है ना, और उससे जो तरबूज का रस निकलता है वह एक चुड़ैल निकाल रही है। क्या कहा, हैंडपंप से चुड़ैल तरबूज का जूस निकाल रही है? लेकिन वह ऐसा क्यों कर रही है? जैसे ही रात के 12 बजते हैं चुड़ैल हैंडपंप के पास पहुंच जाती है और साथ ही साथ वहां पर वह लोग भी पहुंच जाते हैं जिन्होंने चुड़ैल से तरबूज का जूस लिया था। चुड़ैल उन लोगों को तरबूज बनाकर हैंडपंप के अंदर डाल देती है। हे भगवान, भाई साहब, ये आप क्या कह रहे हो? इसका मतलब है कि वो चुड़ैल हमें हमारे गाँव के लोगों का तरबूज का जूस बनाकर पिला रही है? अब हम उस चुड़ैल को इस गाँव से कैसे भगाए? आखिर ये सब क्यों कर रही है? उसे भगाने का कोई उपाय तो होगा ही। अब ये तो हमें तांत्रिक बाबा ही बता सकते हैं। चलो सभी उनके पास चलते हैं। बिरजू की बात मानकर गांव के सभी लोग उसके साथ इकट्ठे होकर तांत्रिक बाबा के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद तांत्रिक बाबा उन्हें बताते हैं, अभी हाल ही में उस औरत की अकाल मृत्यु हुई है जिस कारण से वह चुड़ैल बन गई है। उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी, जिस कारण से वह मदद करने के लिए उसने एक तरबूज हैंडपंप बनाया और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की और वो प्यास के कारण मर गई। इसीलिए वो अपनी मौत का बदला ले रही है तुम गांव वालों से। बाबा, हमें उस चुड़ैल से छुटकारा कैसे मिलेगा? कोई तो उपाय बताओ। तांत्रिक बाबा उन्हें एक उपाय बताते हैं, जिसे सुनकर गांव के सभी लोग ठीक रात के 12 बजने का इंतजार करते हैं। जैसे ही रात के 12 बजते हैं गांव के सभी लोग हाथों में मशाल लिए हैंडपंप के पास पहुंच जाते हैं। जैसे ही चुड़ैल गांव के लोगों को देखती है चुड़ैल उनसे कहती है, गांव वालों, तुम क्या जबरदस्ती यहाँ मरने आए हो? नहीं चुड़ैल, हम लोग यहाँ तुम्हें मुक्ति दिलाने आए हैं। मेरी मर्जी के बिना तुम लोग मुझे यहाँ से मुक्ति दिला नहीं सकते। चुड़ैल के ये सुनने के बाद गांव के सभी लोग अपनी मशालों को हैंडपंप के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके बाद हैंडपंप जलने लगता है। देखते ही देखते हैंडपंप के साथ चुड़ैल भी जलने लगती है। ये तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोग इस गलती का भुगतान करोगे। मैं लौट कर जरूर आऊंगी और किसी को नहीं छोड़ूंगी। चुड़ैल जलकर वहां से मुक्त हो जाती है, जिसके बाद बिरजू कहता है, शुक्र है तांत्रिक बाबा ने हमें चुड़ैल के मरने का कारण बता दिया। इस चुड़ैल ने अपने शरीर को हैंडपंप के पास ही दफना दिया था ताकि इसे मुक्ति ना मिले, और जैसे ही हमने हैंडपंप को जलाया हैंडपंप के साथ साथ इसकी लाश भी जल गई और इसे मुक्ति मिल गई। लेकिन गांव वालों, एक बात याद रखना, कभी भी प्यासे को पानी पिलाने के लिए मना नहीं करना चाहिए। अगर कोई दुख या तकलीफ में है तो हमेशा उसकी मदद करे, वरना उसकी आत्मा इसी तरह भटकती रहेगी।